जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। वैलेंटाइन्स वाले दिन सुबह ही टेस्ट में पता चल गया था। तब से सोच रही हूँ कि कब बताऊँ, कब बताऊँ, कब बताऊँ। फिर सोचा कि आपके बर्थडे से अच्छा तो कोई और दिन हो ही नहीं सकता मम्मी। लेकिन मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मैंने खुद का सरप्राइज ही खराब कर दिया। ए जी जी रे, ये तो सबसे 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 अच्छा सरप्राइज है। सबसे दूल्हा है, बाराती भी है, सब तैयार हैं, बस तुम हाँ कर दो। वेरी ब्यूटीफुल, तू सच में मेरे घर में लड्डू को पालने वाले हैं। मीता, मीता, मैं दादी, 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 दादी बनने वाली हूँ। मेरी दादी बनने मैं दादी। माँ कभी रिटायर नहीं होती, उसका तो प्रमोशन होता है। मेरा भी अब प्रमोशन होगा, मैं माँ से दादी बनूंगी, दादी बनूंगी और मैं माँ बनूंगी, मेरा भी प्रमोशन होगा। दुनिया में अब तक लोगों ने तीर्थ यात्रा पे जाने वाली दादियाँ देखेंगे, अब ऑफिस जाने वाली दादी देखेंगे, सबसे कूल दादी। पता है, ऐसा लगता है जैसे अभी कल की ही बात थी कि मैं इस घर में बहू बन के आई थी और फिर मेरे पेट में तोसु था, मैं पहली बार माँ बनी। और अब देखो, मेरे छोटे से तोसु का छोटा सा तोसु आएगा, छोटी किंजल भी आ सकती है। मेरा तोसु पापा बनेगा, मेरी किंजू बेबी मम्मी बनेगी, तुम दोनों मम्मी पापा बनोगे। पहली बार जब माँ बनी थी तब खुशी से रो पड़ी थी, पर आज तो लगता है कि मेरी आंसू रुकेगी नहीं। पता है किंजू बेबी, औरत की जिंदगी में कई सारे पड़ाव होते हैं, कई सारी सीढ़ियां होती हैं। पहले बेटी, फिर पत्नी, फिर बहू, फिर माँ और फिर दादी या नानी। दादी और नानी सबसे ऊपर की सीढ़ी पे होते हैं, इसलिए उन्हें कोई भी परेशानी सबसे पहले आते हुए दिखाई दे जाती है। ओ? मैं इसके लिए स्वेटर बुनूंगी। हाँ? और नहीं नहीं, लोरिया बनाना भी शुरू कर देती हूँ, तो सुलाऊंगी कैसे, सारी रात जागता रहेगा। और उसे सुनाने के लिए नई नई कहानियां याद करूंगी। सिर्फ एक कहानी सुनाइएगा, अपनी कहानी, एक औरत की हिम्मत की, उसके हौसले की, उसकी उड़ान की कहानी, दुनिया की सबसे इंस्पायरिंग कहानी। डर लग रहा है मम्मी। अरे क्यों, डर क्यों लग रहा है बेटा? कि मैं आप जैसी अच्छी माँ बन पाऊंगी या नहीं। हाँ वो तो ठीक है,
तू मेरे जितनी अच्छी माँ नहीं बन पाएगी, क्योंकि तू तो मुझसे भी अच्छी माँ बनेगी किंजू, वेरी ब्यूटीफुल। देख, मैं तो कम पढ़ी लिखी हूँ, सयानी नहीं हूँ, पर तू तो कितना पढ़ी लिखी है, कितनी सयानी है, समझदार है, ऊपर से इतनी 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 सुंदर है, और ब्यूटीफुल। मने खबर छे, तू दुनिया की बेस्ट माँ बनेगी। नया सफर है मम्मी, आपके बिना तय नहीं होगा, आप हर कदम पे मेरे साथ रहेंगी ना? रहूंगी ना बेटा, जरूर रहूंगी, क्यों नहीं रहूंगी। ये अनुपमा अपनी छोटी अनुपमा के साथ हर कदम पे रहेगी, हर पल। संभल किंजू, एक बात मेरे ध्यान से सुन, माँ का काम होता है डांटना और दादी का काम होता है बचाना। हाँ, तो इस बेचारे ने चाहे कोई गलती भी की होगी ना, तो मैं तो इसी का साइड लूंगी। मम्मी ऐसे तो बिगड़ जाएगा। अरे ऐसे कैसे बिगड़ जाएगा, तू है ना डांटने के लिए, और आप बिगड़ने के लिए। नहीं। हाँ? भाई लो, दीदी उसमें आ गई, दीदी उसमें आ गई। अरे बुद्धू, बेहोश मैं नहीं हुई थी, किंजल हुई थी। आई नो, मने रिमेम्बर छे। आप लोगों ने नाश्ता क्यों नहीं किया? किंजल अभी ठीक है, उसका ख्याल रखने के लिए उसकी सास है उसके पास। लो संजय कुमार, लो ना नाश्ता करो। ये बैठा बैठा ब्लश क्यों कर रहा है, आखिर बात क्या है? एक ही लफ्ज है बोलना तुम्हें, कह दो हाँ तुम्हें एक बार, सहा नहीं जा रहा है अब, खत्म कर दो ये इंतजार। अच्छा बता, तूने किसी को बताया क्यों नहीं? तो सुखो वो क्या, कैसे बताऊं मम्मी, आपने आजकल तोशु का मूड देखा है? जैसे लोग एंटी रिंकल्स क्रीम लगाते हैं ना, ऐसा लगता है कि पापा और तोशु रोज सुबह कोई एंटी स्माइल क्रीम लगा के घूमते हो। वो दिन भर इतने गुस्से में रहते हैं ना कि कुछ बताने को भी डर लगता है मम्मी। पर आपको तो बताना ही था, आपके बर्थडे पे ये मेरा गिफ्ट, अब सबको बताना ये आपका रिटर्न गिफ्ट। तू चिंता मत कर बेटा, तू जरा भी चिंता मत कर, ये तो बेस्ट तोहफा मिला है मुझे। अब तो देखना ये दादी कैसे शान से जाके सबको बताती है, एकदम स्टाइल से। साची, भाभी ने अनुज से अपने दिल की बात कह दी? अर्ज किया है, दिल ये बेचैन है, रस्ते पे नैन है। और ये गानों के लिरिक्स हैं ये पता है मुझे। पता है मान, हर कोई तेरी तरह पोइट तो नहीं होता ना। अरे डर मत, अभी अनुपमा आएगी और शान से सबको कहेगी कि अनु बात क्या है। हाँ बता ना, बावरी तो ऐसे बनी जा रही है जैसे देश की प्रधानमंत्री बन गई हो। बा, उससे भी बड़ी बात हुई है बा, मैं दादी बनने वाली हूँ, तो पापा बनने वाला, हमारी किंजल माँ बनने वाली है। मैं दादा बनने वाला हूँ। हाँ, हाँ। सच सच, यस 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 यस। अरे दीदी परदादी बनने वाली है, सो ओल्ड। अरे भाई लो, मैं परदादी बनने वाली हूँ। और मैं चाचा बनने वाला हूँ।
वेल डन भाई। दोषों से कुछ सीखो भी, तुम भी लड़ाई के बीच प्यार के लिए कुछ टाइम निकालो। न्यूज तो बहुत अच्छी है पर शाह फैमिली की टाइमिंग बहुत खराब है। बाब्स, संभाल के। हाँ, मुझे तो लगा कि अनु तेरी और अपनी शादी के बारे में। मुझे भी ऐसे ही लगा था मम्मी, पर कोई ना, ये खुशखबरी हमारी बात से बहुत बड़ी है। ए, क्या सोच रहा है मान? अरे यही सोच रहा हूँ मम्मी कि कमाल है ना, बॉयफ्रेंड बने 3-4 दिन नहीं हुए, पति बनने की डेट नहीं आई, लेकिन इस परिवार ने मिलकर दादा बना दिया यार। तो अब मुझे लगता है कि दादा बनने से पहले बस पति बन जाऊं। वाह मम्मी, आपके फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन में इतना अच्छा गिफ्ट मिल गया आपको। मम्मी, आपको भी तो कुछ बताना था ना। हाँ मम्मी, अब आपकी बारी है। बताना था कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस की वेबसाइट लाइव हो गई है और बहुत सारे एडमिशन हो गए हैं। ओए ओए, हरक पदुड़ी तो ऐसे हो रही थी जैसे पूरे अहमदाबाद में लड्डू बांटने जैसी खुशखबर हो। इतनी छोटी सी बात और इतना बड़ा एक्साइटमेंट, आर यू श्योर यही बात है, कोई और बात नहीं? धनराज, ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। आपको याद है जब मैं पहली बार माँ बनने वाली थी तो मोटी बा ने मुझे वो मखाने और शक्कर का भोग बना के खिलाया था, तो मैं जाके बना के लाती हूँ वो भोग, और काफी घर में मखाना है। और बा मखाने हैं? सास मैं हूँ या तू? बा घर में मखाने हैं। मैं जाकर फटाफट दुकान से लेकर आती हूँ। मम्मी मैं लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो दुकान वाले तुझे कुछ भी दे देगा और तू लेकर आ जाएगा, मैं अभी फटाफट लेकर आती हूँ।
कल तुम्हारा बर्थडे है, मेरे रिटर्न गिफ्ट का थोड़ा ध्यान रख जाओ। वैसे मैं भी अपने सरप्राइज के लिए बेताब हूँ। मम्मी आपको भी तो कुछ बताना था ना? ये बताना था कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस की वेबसाइट लाइव हो गई है और बहुत सारे एडमिशन हो गए हैं। सबके सामने गर्व से बोलना चाहती थी, नहीं बोल पाए, नहीं बोल कैसे कैसे बोलती मेरी किंच माँ बनने वाली, उसकी खुशी के सामने अपनी खुशी कैसे रखती, उसकी खुशी में अपनी खुशी कैसे मिलाती, नहीं बोल पाई, नहीं बोल पाई। क्या कहती कि होने वाली दादी अब शादी करना चाहती है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।